चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक ऐसा महल आज भी स्थित है जो शायद ही आपने देखा या सुना होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं इस महल को और बताते हैं कुछ रोचक बातें। फतेहपुर से 53 किलोमीटर दूर और कानपुर से 43 किलोमीटर दूर कोरा जहानाबाद में आपको ये रंग महल यानी भूल भुलैया महल देखने को आज भी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक खंडहर के रूप में। यह फतेहपुर जिले के कोड़ा जहानाबाद में स्थित राजभवन का एक हिस्सा भूल भुलैया है, जो जहानाबाद के बारादरी बगीचे के अंदर स्थित है। यह शानदार स्थान किसी ज़माने में आबाद रहा होगा, अपनी रंगीनियत के लिए जाना जाता रहा होगा, लेकिन अब इसकी दुर्दशा इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पर इसकी सारी दालानें चटक रही हैं और गिर रही हैं। यह चारों तरफ से एक बगीचे के बीच में स्थापित है, जिसके अंदर कहा जाता है कि हर तरह के पेड़ पौधे और बागवानी देखने को मिलती थी। इस रंग महल के अंदर तमाम लोगों ने अपने नाम गोद रखे हैं, कहीं कोई सलीम है तो कहीं कोई सलमा, और इसके दोनों तरफ से सीढ़ियों में चढ़ने के बाद एक शानदार स्थान देखने को मिल रहा है। आइए मैं आपको इस सीढ़ियों से चलने के बाद बाएं तरफ ले चल रहा हूँ, जहाँ से आप इस बगीचे का दृश्य देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत के भी तमाम फसाने दीवारों पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मेहराब, इसका गर्भ और इसकी दालानें ये साफ बयां कर रही हैं कि इस मीनार को कितनी भव्यता से संवारा गया होगा। ये निश्चित एक रंग महल है। इस रंग महल के अंदर सैकड़ों मोटे मोटे इतने झरोखे हैं जहाँ से गर्मियों में भी ठंडी हवा का झोंका आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ और आप लगातार देख पा रहे होंगे कि इस रंग महल के अंदर कितने सुंदर सुंदर स्थान आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ इसका नूर कमज़ोर होता रहा है। कभी यहाँ महफिलें सजा करती थीं, इतिहास में संगत का कितना मोल होता था, लेकिन अब समय के साथ साथ वो सब बदल गए हैं। लेकिन आज भी ये मीनारें ये बयां कर पा रही हैं कि वह कितनी आलीशान रही हैं। इन मेहराबों के अंदर अगर आप खड़े होकर के देखें तो इनके अंदर अपने आप को समाता हुआ पाएंगे। चारों तरफ से दिन में प्रकाश का इतना उत्तम प्रबंध है कि यहाँ पर कहीं भी छाया देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पर उसका परावर्तन प्रकाश का इतना उसे और भव्यता प्रदान कर रहा है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अब इस रंग महल के तीसरे माले पर। यह सीढ़ियाँ इसी ओर इशारा कर रही हैं और मैं अब आपको ले चल रहा हूँ आगे की ओर, जो संभवतः इसकी छत में ये जा रही हैं। सीढ़ियों का ऊपर का हिस्सा पत्थर का बना हुआ है और इसके नीचे ककई ईंट और राखी चूने से बनी हुई हैं। वाह, बड़ा ही उत्तम नज़ारा है। देखिए, यहाँ से दूर दूर तक इस बगीचे की पूरे सरहद देखने को मिल रही हैं।
और यह बगीचा यहाँ से पूरा एकदम साफ दिख रहा है। और एक रंग महल के कोने पर मैं खड़े होकर के आपको दिखा रहा हूँ कि इस स्थान पर किस तरह से पहले यहाँ के राजा कह लीजिए या मुख्य व्यक्ति कह लीजिए, वो यहाँ पर अपना आसन लगा करके बैठते होंगे। ये महल महलिया के रूप में देखने को मिल रहा है और यहाँ से नीचे का नज़ारा आप इस तरह से देख सकते हैं। वो अपने इस बगीचे में शैर करने जब आते होंगे तो यहीं पर बैठते होंगे। और ये सीढ़ियाँ आप इस तरह से जा रही हैं ऊपर, और ऊपर जा कर के यहाँ पर उनका आसन ज़रूर लगता होगा। यहाँ पर ये ख़त्म हो गई। इस रंग महल और भूल भुलैया की ये छत थी, और ये राजा के साथ साथ एक और वहाँ पर दीवार और दरख्त देखने को मिल रहा है, और शायद वहाँ पर उनके दूसरे सहयोगी अर्थात उनकी शायद पत्नी विराजमान रहती होंगी। लेकिन समय के साथ साथ इसका पूरी तरह से रखरखाव ना होना अब इसके किरने और खतरे की निशानी बन गई है। रंग महल के ठीक ऊपर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं वहाँ से तीन माले नीचे तक की ये गहरी दरार देखने को मिल रही है। यदि ये गिर जाए तो शायद कोई अनहोनी हो सकती है। और इसके ऊपर बड़े बड़े बेर के वृक्ष देख रहे हैं आप उगाए हैं। कितना नायाब ये दूसरा सीढ़ी का जीना है जो नीचे जा रहा है।